हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसमें हम राइटर्स के जो भी राइटर है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें करते हैं। कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी नजीम एजकिल के बारे में। नजीम एजकिल का की जो पैटर्न चल रहा है उसकी ये का उस उन वीडियोस का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हम उनके जो इम्पोर्टेंट दो पोएम्स हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। आज ये लास्ट पार्ट है नजीम एजकिल के बारे में। इसके बाद में हम इनके इससे नेक्स्ट जो राइटर हैं रॉबिन एस नगेनगम, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, एक तो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत ही फेमस इम्पॉर्टेंट पोएम है, हर जगह पूछे जाने वाली है, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को ले लो या फिर एनवीएस या केवीएस, जिसमें भी जहां भी लिटरेचर के क्वेश्चन बनते हैं और इंडियन राइटर की बात होती है, नजीम एजकिल की बात होगी तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है इसकी बात कही जाएगी, ठीक है। एक तो इस पोएम की बात करेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एंटरप्राइज नाम की पोएम को, ठीक है। ये दोनों ही पोएम इनके एक पोएटिक कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम से ली गई हैं, ठीक है। दोनों ही उसी में सम्मिलित थी और कब पब्लिश होते हैं, 1965 में। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सी पोएम की बात चल रही है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। पोएम का टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट नजीम एजकिल है और पब्लिश होती है 1965 में। कौन से पोएटिक कलेक्शन में, तो वो भी ध्यान रखना है। पोएटिक कलेक्शन का नाम है द एग्जैक्ट नेम, ठीक है, द एग्जैक्ट नेम 1965 में, ठीक है। आगे चर्चा करें, इट इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिक, ठीक है, सॉरी एंथोलॉजिकल पोएम, ठीक है। इट शोज नजीम एजकिल एज अ टिपिकल इंडियन पोएट हु लव्स इंडियन सॉइल एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी सोबर सी पोएम है और इसमें ना इंडियन कल्चर को, इन भारत में जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है, या जो विचारधाराएं चलती हैं। जैसे आप इस पोएम में देखोगे कई जगह पर ऐसी स्टेटमेंट गिवन है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, ठीक है, कि लोग जो पुरानी विचारधाराएं हैं उनमें कैसे भरोसा करते थे, चाहे उनके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है, ये जो पोएम है इसकी थीम क्या है कि एक मदर है, उनको जो एक स्कॉर्पियन है, ठीक है, वो डंक मार देता है, वो काट लेता है, तो उसके लिए लोग किस किस तरीके की विचारधाराएं रख रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं। द पोएम डिस्क्राइब अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट, जो नजीम एजकिल हैं वो उनके बचपन की एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है। वेयर हिज मदर इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन ऑन अ रेनी नाइट, एक बरसात, मतलब एक रात की रात में उनकी माता जी को एक स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया जाता है और उस समय पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, उस सिचुएशन की ये स्टोरी है। इसमें रिप्रेजेंट किया गया है इंडियन कल्चर को, इंडियन की जो स्पिरिचुअलिटी है, आइडियलिज्म है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इट इज़ इन द फर्स्ट पर्सन, आप पोएम की जो लाइंस हैं अगर आप उन्हें देखोगे तो, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के एक्सेंट में ये ज़्यादातर लिखी गई है। यूजली जो लिटरेचर होता है वो थर्ड पर्सन के रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो पोएम है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, ठीक है। इट इज़ अ नरेटिव पोएम, पीपल सर्च फॉर द स्कॉर्पियन बट फेल टू फाइंड इट, जब मदर को बाइट कर लेता है स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन बाइट्स द मदर एंड पीपल सर्च फॉर द स्कॉर्पियन बट फेल टू फाइंड इट, लोग उसे ढूंढते हैं, उसे सर्च करते हैं स्कॉर्पियन को, लेकिन क्या होता है वो फेल हो जाते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाता वो स्कॉर्पियन। दे बिलीव दैट व्हेन द स्कॉर्पियन मूव्स इट्स पॉइजन विल आल्सो मूव इन द मदर्स ब्लड, ये ऐसी देखो विचारधारा है यहाँ पर, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्कॉर्पियन जो है वो मूव करेगा, ठीक है, उतना ही पॉइजन जो मदर है उनके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही दर्द, उतना ही पॉइजन जो है वो इंक्रीज होगा मदर के ब्लड में, ठीक है। द फादर ट्राइज पाउडर हर्ब एंड मिक्सचर्स, फादर जो है, मतलब जो पोएट है हमारे, उनके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की दवाइयों को ट्राई कर रहे हैं,
उस जहर को उतारने के लिए, ठीक है, पाउडर का यूज करते हैं, हर्ब्स का यूज कर रहे हैं, मिक्सचर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पीपल आर सुपरस्टिशियस, और लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हैं। एंड वाइल द फादर शोज रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक बेस, ठीक है, जबकि जो फादर है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रैशनैलिटी को रिप्रेजेंट, वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो साइंटिफिक चीज़ों को, जो हर्ब्स हैं या फिर जो मेडिसिन है, उस पर बिलीव करते हैं, जबकि जो उनके पड़ोसी आए हुए हैं, जो लोग इकट्ठा हो गए हैं वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को मान रहे हैं, जो प्राचीन चीज़ें उनको मान रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इन्होंने जो मदर हैं उन्होंने प्राचीन समय में कोई पाप किया है जिसको ये भोग रही हैं, इस तरीके से जो स्कॉर्पियन ने इन्हें डंक किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं इस पोएम के अंदर। द फादर क्या कर रहे हैं, तरह तरह के हर्ब्स और पाउडर्स को ट्राई कर रहे हैं। एंड द मदर, देखिए सबके जो मनोदशा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, पीपल क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, फादर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, और मदर क्या सोच रही है। द मदर सफर्स फॉर 20 आवर्स, 20 घंटे तक लगभग वो उस कष्ट में रहती हैं। मदर फील्स हैप्पी टू थिंक दैट द स्कॉर्पियन हैज नॉट बिटन हर चिल्ड्रन, लेकिन मदर फिर भी खुश हैं। क्यों खुश हैं, एक माता का मतलब कितनी डीप मदरहुड की थीम को रिप्रेजेंट किया गया है, कि माता क्या सोच रही है कि थैंक गॉड कि स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा और उनके बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है। मदर की विचारधारा इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। और पोइम के लास्ट में एक लाइन आती है जिसमें मदर कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज सेल्फ एफेंसिव लव ऑफ एन इंडियन मदर, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट आर डेवलप्ड इन द पोएम। और इसमें देखो, एक तरफ तो जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर जो अंधविश्वास है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक तरफ जो मदरहुड है या फिर हम कहें इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रेन स्टैंड्स फॉर होप, जो रेन है, रेन किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, तो वो एक उम्मीद को, एक होप को सिंबलाइज करती है। एंड रीजनरेशन सफरिंग पर्ल्स मदर। द पोएट यूजेस सिंपल लैंग्वेज, इसमें पोएट ने क्या किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है विद अ कन्वर्सेशनल टच, ठीक है। कन्वर्सेशनल टच मतलब जैसे आपने देखा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे कि कोई बात करता है, हालांकि ये पोएम है लेकिन एक कन्वर्सेशनल टच इसमें दिया गया है। आगे अगर हम बात करें, देखो द पोएम डिस्क्राइब अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द पोएट। आगे अगर देखें, द पोएट्स फादर स्केप्टिक एंड रैशनल मैन, क्योंकि वो डॉक्टर है, एक रैशनल मैन है, ट्राइज टू काम हर मदर, हिज मदर, और वो क्या कर रहे हैं, पोएट की जो मदर है उन्हें काम करने की, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेव हर फ्रॉम द वेनम, और उसके जहर से, जो स्कॉर्पियन का जहर है उससे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स द मदर्स पेन एंड सफरिंग कंटिन्यू, भले ही वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जो मदर है उनका जो पेन है, उनकी जो सफरिंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर द कंट्रास्ट बिटवीन फादर्स रैशनैलिटी एंड मदर्स इमोशनल एंड इंट्यूटिव नेचर। और क्या है इस पोएम में, क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी मेन थीम अगर आप देखें तो इसमें देखो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। एक तरफ फादर की रैशनैलिटी है एंड मदर का, दूसरी तरफ क्या है, मदर की का जो इमोशनल टच है, जो इंट्यूटिव नेचर है उनका, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। द पोएट रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट सीइंग इट एज अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। पोएट क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पोएम के अंदर, इस इवेंट के आधार पर वो ये शो करना चाहते हैं कि मतलब ये जो पोएम है वो एक सिंबल की तरह यूज की जा रही है, सिंबल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द स्ट्रगल बिटवीन रीजन एंड इमोशन, और किस तरीके से रीजन और इमोशन के बीच का जो स्ट्रगल है, जो उनके बीच में कंट्रास्ट है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पोएम की थीम आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर इसकी फर्स्ट लाइन की बात करें, ठीक है, पोएम की फर्स्ट लाइन अक्सर पूछी जाती है, तो पोएम की फर्स्ट लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर, ठीक है, ये कंप्लीट फर्स्ट लाइन है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। सेकेंड लाइन में इस सेंटेंस को पूरा किया जाता है, सेकेंड लाइन में आता है माई मदर के बाद में वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन,
ठीक है. देन 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनी द सेक ऑफ राइस. ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है. अगर आप रीड करोगे ना पोएम तो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी. कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया है नजीम एजकल के द्वारा. ठीक है, और इन्होंने डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है इस पोएम के अंदर. अब हम बात कर लेते हैं पोएम के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की. ठीक है, फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम में. तो फॉर्म सबसे पहले फॉर्म के बारे में देखते हैं. द पोएम इज रिटन इन थ्री वर्स विद नो रेगुलर राइम एंड और मीटर. इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है. इसमें कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है और ना ही किसी मीटर का यूज किया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेंजास. इसमें क्या है, 12 टोटल स्टेंजास हैं, ईच विद अ वेरिंग नंबर ऑफ लाइन. लेकिन किसी में भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है लाइन्स का. सब में अलग अलग तरीके से लाइनें, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं. इस तरीके से लाइन रिप्रेजेंट की गई हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेंजास. और स्टेंजास कितने हैं, 12. नेक्स्ट है द लाइन्स आर शॉर्ट एंड कंसाइज. लाइन्स हैं बहुत ही शॉर्ट. जैसे हमने देखा फर्स्ट लाइन ही बहुत ही सिंपल सी है. क्या है, आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर, ठीक है, वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन. इस तरीके से लाइन दी गई है. तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट कंसाइज वे में लिखी गई है विद अ फोकस ऑन एंजॉयमेंट. द रनिंग ऑन अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज. देखिए यहाँ पे देखो एंजॉयमेंट को डिस्क्राइब किया गया है कि एंजॉयमेंट होता गया है. इन्होंने ज्यादातर इस पोएम में ना एंजॉयमेंट का इस्तेमाल किया है. अगर पूछ लिया जाए राइमिंग स्कीम या फिर मीटर के बारे में या फिर हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाए, तो ज्यादातर इनकी इस पोएम में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में एंजॉयमेंट का यूज हुआ है. अब एंजॉयमेंट क्या होता है कि जब भी हम जैसे कोई पोएट है वो पोएट्री लिख रहा है और उसमें जो लाइन्स लिख रहा है वो लाइन में बिना किसी पोज के वो सेंटेंस को कंटिन्यूएशन में लिखता चला जा रहा है. जैसे हमने यहाँ पे दो सेंटेंस की बात की थी शुरुआत की. आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस था आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर. तो यहाँ पे कोई पॉज नहीं है, ये लाइन यहीं पे कंप्लीट हो गई है और लाइन अधूरी है अभी. और इस लाइन को पूरी हो रही है. ये लाइन कंप्लीट कब होगी, जब हम सेकंड लाइन रीड आउट करेंगे. सेकंड लाइन कहती है माय मदर के बाद में वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन 10 आवर्स. तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन एंड में जाके कंप्लीट हो रही हो. ठीक है, कहीं से भी ब्रोकेज हो रहा है लाइन्स में और वो कंटिन्यूएशन में चल रही है, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पोज नहीं है. इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम एंजॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है. आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर किस तरीके से है. द पोएम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. अगर आप पोएम को देखो तो इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करके आप देख सकते हो. हालांकि इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ना ही स्टेंजास में इक्वल लाइंस हैं. ठीक है, द फर्स्ट सेक्शन स्टेंजा 1 to 4. पहला सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, स्टेंजा 1 से 4 तक. इसमें क्या हुआ है, डिस्क्राइब्स द स्कॉर्पियन स्टिंग एंड द पोएट्स मदर्स रिएक्शन. और इसमें किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, पहले से नंबर 4 तक के जो का जो स्टेंजा है इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से स्कॉर्पियन स्टिंग करता है. ठीक है, और पोएट की मदर का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें वो स्टिंग कर लेता है या काट लेता है. ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर सेकंड सेक्शन की बात करें तो ये स्टेंजा 5 से लेकर 8 तक है. ठीक है, इसमें 3 स्टेंजाज आ गए, स्टेंजा 4 स्टेंजाज आ गए, तो इसमें 5 से लेकर 8 तक है. डिस्क्राइब दी पोएट्स फादर सेक्शन. इसमें क्या डिस्क्राइब हुआ है कि पोएट का जब उनकी मदर को जो स्कॉर्पियन है वो स्टिंग कर लेता है तो उसके बाद में उनके फादर का क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर. ठीक है, और फादर क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, किस तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, एंड द पोएट्स ओन फीलिंग्स, और पोएट की खुद की क्या फीलिंग्स है. ठीक है, ये सब रिप्रेजेंट हुआ है इनके मिड सेक्शन को बोल सकते हो या बीच वाले या सेकंड सेक्शन कहा जा सकता है जो स्टेंजा 5 से लेकर 8 तक है. अगर थर्ड सेक्शन की बात करें तो वो है स्टेंजा 9 से लेकर 12 तक. ठीक है, ये थर्ड सेक्शन है. इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस. इसमें क्या है कि जो ये जो इवेंट हुआ है, इवेंट क्या, ये जो एक दुर्घटना घटी है पोएट की माता के साथ में, वो क्या महत्व रखती है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से पोएम को आप डिवाइड करके समझ सकते हैं. आगे चलते हैं, देखिए इसकी मेन थीम क्या क्या हो सकती है. क्वेश्चन में कई तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है ना, कई बार कोई चीज अलग से आएगी, कुछ अलग से आएगा, तो इसमें किस किस चीज पर फोकस किया गया है,
पूरी पोएट्री सिर्फ एक ही थीम पर बेस्ड नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे फादर की रैशनैलिटी को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, मदर के इमोशनल टच को अलग से, ठीक है, डीप मदरहुड को रिप्रेजेंट किया गया है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो लोग हैं उनकी क्या विचारधाराएं हैं ऐसी चीज़ों को लेकर उसको रिप्रेजेंट किया गया, तो अलग अलग थीम पर बेस्ड है। जैसे पहले थीम बताई गई है इसमें सफरिंग एंड पेन की, किसकी सफरिंग है यहाँ पर, ठीक है, मदर की, पोएट की मदर जिन्हें स्कॉर्पियो ने स्टिंग कर लिया है, उनकी सफरिंग की बात हो रही है, उनके पेन की, जो लगातार 20 घंटे तक तड़पती रहती है उस चीज से, ठीक है। लव एंड फैमिली, साथ ही साथ किस पर बेस्ड है पोएम, लव और फैमिली पे, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है उस चीज को लेकर, ठीक है, उनके फादर अलग से चिंतित हैं, बच्चे अलग से, जो पोएट है वो अलग से चिंता कर रहे हैं अपनी मदर की, ठीक है, और उनके बीच में कितना लव है, क्या फैमिली रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट हो रही है। और क्या थीम है, ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, जो मनुष्य के बीच में, जैसे उनके पड़ोसी लोग ये सारी चीज देखकर जो लोग हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, उनके बीच में कैसे संबंध है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट आप देखो ये कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी कैसे है कि पोएम में जो लोगों की विचारधाराएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे पहली विचारधारा किस चीज की कही गई है कि जो स्कॉर्पियन है जितना ज्यादा मूव करेगा, जितना ज्यादा चलेगा, उतना ही पॉइजन जो है वो चढ़ता चला जाएगा, एक तो ये विचारधारा है, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिकल या तर्कपूर्ण इसका जवाब नहीं है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन हम ऐसी विचारधारा रख रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी का रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो मतलब लॉजिकली नहीं है, और हम कल्चरल आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, वो क्या है कि लोगों का मानना है कि जरूर इनकी माता जी ने जो अपना अपने पास्ट में कुछ गलत किया है, कुछ पाप किए हैं, जिनका ये दंड इस टाइम पे भोग रही हैं, इस तरीके से भी लोग इस पोएम में कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों विचारधाराएं क्या है, ये कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, और पोएम किस पर बेस्ड है, पोएट क्या कर रहे हैं, पोएम की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि पोएट क्या अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ही बेस्ड ये पोएम है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी थीम्स हो जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ ये पोएम एंड होती है। अब इसमें एक मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि ये पोएम भी एक पोएटिक कलेक्शन में ही पब्लिश हुई थी, उस पोएटिक कलेक्शन को स्पेशली ध्यान रखना है, या फिर अलग से कोई ईयर आता है तो वो ईयर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोएटिक कलेक्शन का नाम ध्यान रखना है, द एग्जैक्ट नेम, और ये 1965 में ये पोएटिक कलेक्शन आया था, इसी के अंदर इनकी ये पोएम थी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, और साथ ही साथ जो एंटरप्राइज पोएम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे 1965 में आता है द एग्जैक्ट नेम, वो भी इसी का ही पार्ट थी, ठीक है। इनका जो पोएटिक कलेक्शन है द एग्जैक्ट नेम, एंटरप्राइज भी इसी का पार्ट है, साथ ही साथ एक और पोएम थी इनकी, एक फिलोसफी नाम से पोएम थी, फिलोसफी भी इसी जो पोएटिक कलेक्शन है उसका पार्ट थी। सारी पोएम्स ये पब्लिश हुई है 1965 में। अब हम बात करेंगे एंटरप्राइज की, एंटरप्राइज की हम चर्चा करते हैं, समझ सबसे पहले आपको टाइटल को समझना है कि टाइटल किस चीज के बारे में चर्चा करता है, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एंटरप्राइज का मतलब हम इस चीज से ले सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को करते हैं, ठीक है, उसे एंटरप्राइज बोला जाता है, ओके। तो एंटरप्राइज का मीनिंग ये है, निजी मैजिकल के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। अब इसमें आप इसकी थीम आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें क्या है कि पोएट जो उन्होंने मान लीजिए कि कुछ लोगों के साथ उन्होंने मिलकर जो व्यापार शुरू किया है, जो व्यवसाय शुरू किया है, उसको वो एक जर्नी की तरह, एक पिलग्रिमेज की तरह मान रहे हैं, एक तीर्थ यात्रा के समान मानते हैं कि ये भी एक तीर्थ यात्रा है, और उसमें बीच बीच में जो भी समस्याएं आ रही हैं और जिस जैसी समस्याएं इस तीर्थ यात्रा में आती हैं वही वो आप वो समझ रहे हैं कि उस व्यवसाय के दौरान होंगी, उनका जो व्यवसाय है, जो लोगों के साथ मिलकर वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो एक तीर्थ यात्रा के समान है, ओके। तो एंटरप्राइज इस पर बेस्ड है, इसकी यही थीम है। आगे अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, एंटरप्राइज पहली चीज, टाइटल नाम, टाइटल क्या है, एंटरप्राइज है, 1965 में द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश होता है, राइटर कौन है इसके, तो नजीम एज़किल है। अब बात करते हैं एंटरप्राइज इज अ पोएम बाय नजीम एज़किल दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ एम्बिशन प्रोग्रेस एंड द सर्च फॉर द मीनिंग, किस पर बेस्ड है, देखिए यहाँ पर थीम भी लिखी हुई है, एम्बिशन प्रोग्रेस एंड सर्च फॉर मीनिंग, तो जैसे व्यवसाय से रिलेटेड है, ठीक है, तो प्रोग्रेस की तरफ, तरक्की की तरफ बेस्ड है, साथ ही साथ इसके एम्बिशन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, और साथ ही साथ ये जो रियल मीनिंग होता है बेनिफिट का या फिर प्रोग्रेस का, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। द पोएम्स स्पीकर डिस्क्राइब
अ जर्नी टू अ मिस्टीरियस डेस्टिनेशन सिम्बलाइजिंग द परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। जिस तरीके से जैसे कोई स्टार्टअप करते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें हमें आगे पता नहीं होता कि क्या हमारी डेस्टिनी कहाँ तक है, ठीक है, या फिर हम आगे क्या बेनिफिट पाने वाले हैं या इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी अचीवमेंट क्या रहने वाली है, उन पर सिर्फ हम सोच सकते हैं, ठीक है, रियलिटी हमें पता नहीं होती। उसी तरीके से ये इस व्यवसाय की शुरुआत को ही ये क्या मान रहे हैं, ये एक जर्नी मान रहे हैं, ठीक है, जर्नी की इन्हें मंजिल का पता नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया जर्नी टू अ मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, मतलब हमें डेस्टिनेशन का नहीं पता है, डेस्टिनेशन जो है वो हमारी मिस्टीरियस है, बस हम पथ के बारे में मान रहे हैं। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि मतलब मंजिलों से ज्यादा रास्ते अच्छे लगते हैं, तो इसमें रास्तों के बारे में चर्चा की गई है, मंजिल अभी अननोन है, मिस्टीरियस है, ठीक है। सिंबलाइजिंग दी परसुएट ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट, और किसको सिंबलाइज कर रही है पोयम, ये सफलता को, ठीक है, और अचीवमेंट को सिंबलाइज करती है। पब्लिकेशन आपको पता ही है 1965 में, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। अगर आप इसमें इन्होंने ना इनकी पोएट्री की एक खास बात रही है नज़ीम एस्किल की, इन्होंने डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। जब हम इनकी पोएट्री पढ़ते हैं तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होती है, ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज ये नहीं करते थे, ठीक है। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द प्रिपरेशन फॉर द जर्नी। देखिए पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पोएम की शुरुआत होती है डिस्क्राइब करते हुए किस चीज़ को, कि जर्नी स्टार्ट करने की प्रिपरेशन चल रही है, कि कोई जर्नी शुरू करने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन चल रही है, विद द स्पीकर, ठीक है, एंड हिज कंपेनियंस गैदरिंग रिसोर्सेज एंड सप्लाइज। स्पीकर जो मेन पोएट हैं वो और उनके कंपेनियन, उनके जो साथी हैं जो इस पिलग्रिमेज में या फिर कहें इस तीर्थ यात्रा में उनके साथ जाने वाले हैं, वो सब क्या हैं, वो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी उन्हें आगे तीर्थ यात्रा में ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी सप्लाईज को साथ में एकत्रित कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जर्नी की। एंड दे सेट आउट, दे इनकाउंटर वेरियस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, और फिर वो अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं और क्या होता है, दे इनकाउंटर वेरियस ऑब्स्टिकल्स, और रास्ते में उन्हें बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है या फिर कहीं बहुत सारी रुकावटें उनके रास्ते में आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है उन्हें, बट प्रेस ऑन विद डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व। लेकिन वो डटे रहते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी यात्रा को मुकम्मल करना था इसलिए वो डटे रहते हैं और वो हर एक जो रुकावट आ रही है उसको रिजॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे हम देखें अल्टीमेटली इसमें क्या बताया गया है, इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें, अल्टीमेटली एंटरप्राइज इज अ थॉट प्रोवोकिंग एंड डीपली फिलोसफिकल पोएम, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैचारिक है, ठीक, विचारों में बेस्ड है, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या डीप थिंकिंग है पोएट की, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग है एंड डीपली बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ों की चर्चा की गई है पोएम में। दैट चैलेंजेस रीडर्स टू कंसिडर देयर ओन वैल्यूज एंड एस्पिरेशन, जो चैलेंज करती है किस चीज़ को, जैसे एज अ रीडर आप जब पोएम को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके खुद के जो वैल्यूज हैं, खुद के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, मतलब उसको ये चैलेंज करती नजर आती है पोएम, ठीक है। इट इन्वाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन कंडीशन, ये हमें इन्वाइट करती है कि हम इस चीज़ को जाने, या हमें एक आईना शो करती है कि किस तरीके से ह्यूमन की कंडीशन है एट प्रेजेंट, उस चीज़ को शो करती है। एंड द इल्यूसिव नेचर ऑफ सक्सेस, और जो सफलता है उसका सही अर्थ क्या है उसको हमें सिखाती है। लीविंग अस विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, और जब एज अ रीडर आप पोएम को पढ़ चुके होंगे तो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाती है आंसर्स दिए बिना, ठीक है, तो इस चीज को आप समझोगे। आगे देखते हैं, अब इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको आई होप इसकी थीम, इसकी समरी आपको क्लियर हुई होगी, एंटरप्राइज किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार गूगल करके इसका टेक्स्ट देखकर पोएम का एक बार उसे रीड आउट कर लेना, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसके टेक्स्ट को साथ ही नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसके टेक्स्ट को भी आप पढ़ लेना एक बार, एक सिंपल रीडिंग, ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एक सिंपल रीडिंग में आपको पूरी पोएम क्लियर हो जाएगी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी और एंटरप्राइज भी। अब फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये भी मतलब उनका स्टाइल ही ये है नज़ीम एस्किल का, तो इन्होंने इस पोएम को भी फ्री वर्स में लिखा है विद नो रेगुलर राइम एंड मीटर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 16 स्टैंजास ईच विद अ वेरिंग नंबर ऑफ लाइन, और इसमें क्या है, जैसे कि आपने देखे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या थे, 12 स्टैंजास थे, यहाँ पर कितने हैं, 16 स्टैंजास हैं, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं,
ठीक है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आगे द लाइन्स आर शॉर्ट एंड कंसाइज, लाइन क्या है, बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज लाइन्स है एंड विद अ फोकस ऑन एंजॉयमेंट। वही सारी चीजें जो हमने फॉर्म स्ट्रक्चर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का देखा वही इसका है। आगे चलते हैं, सॉरी, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। पोएम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, फर्स्ट टू फाइव, ठीक है। पहला सेक्शन हम मान लेंगे स्टैंजा फर्स्ट से लेकर फाइव तक का, प्रिपरेशन फॉर द जर्नी। पहले स्टैंजा से लेकर स्टैंजा फाइव तक क्या हो रहा है, जर्नी की प्रिपरेशन हो रही है। देन सेकंड सेक्शन आता है जब स्टैंजा सिक्स से लेकर टेन तक, जर्नी स्टार्ट इटसेल्फ। तो जर्नी के दौरान क्या क्या घटित होता है, क्या क्या घटना होती है, क्या क्या वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है सिक्स से लेकर स्टैंजा टेन तक। देन स्टैंजा इलेवन से सिक्सटीन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, मतलब उसको वो थॉटफुली सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है, या इन इन जो समस्याएं इनका सामना करते हुए हमने क्या क्या चीजें झेली और उससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, क्या परिणाम मिले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसका, कंटेम्पलेशन मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस वे में, क्रिटिकल वे में, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं उसकी। द पोएम यूजेस इमेजरी, मेटाफर एंड सिंबोलिज्म टू कन्वे इट्स थीम एंड आइडियाज। पोएम क्या करती है, पोएम में बहुत सारी इमेजेस या फिर मेटाफर्स का यूज किया गया है अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सिंबल, बहुत सारे सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे MCQs की। आई होप ये दोनों पोएम्स आपको क्लियर हुई होंगी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और एंटरप्राइज। अभी सिलेबस में इन्हीं दोनों को दिया गया था मेंशन करके, तो उसको हमने रीड आउट किया। और निजीम एस्किल के बारे में हमने कल भी उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था, उनके पोएट्रिक कलेक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि इनका फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन क्या था, अ टाइम टू चेंज, जो 1952 में आया था, है ना। और साथ ही साथ इन पोएम्स को भी ध्यान रखना है, ये कौन से पोएटिक कलेक्शन में, द एग्जैक्ट नेम में है, 1965 में आता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निजीम एस्किल से कि 1983 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, वो भी कौन से वर्क के लिए, इनके पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम क्या था, द लेटर डे साल 1982 में पब्लिश होता है, उसके लिए इन्हें क्या मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है निजीम एस्किल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्हें बार बार जितनी बार ही आप रिवाइज करोगे ना, उतना ही मतलब फिक्स होते चले जाएंगे, आपको फिर रटने की नीड नहीं होगी। चलिए अब हम MCQs करेंगे। ये MCQ मोस्टली बेस्ड है पोएम्स पर, जो हमने अभी पोएम्स पढ़ी। हु इज द स्पीकर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है उसमें स्पीकर कौन होता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखी गई है ना, स्पीकर है, कोई बता रहा है कन्वर्सेशनल वे में बता रहा है, ठीक है। तो कौन है, द पोएट्स फादर, द पोएट्स मदर, द पोएट हिमसेल्फ, या फिर अनेबर। यस, राइट आंसर है द पोएट हिमसेल्फ। तो बीच बीच में मैं निजी मैस्किल के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें बताती चलूंगी और साथ के साथ हम इसे करते चलेंगे। जैसे कि निजी मैस्किल इसके राइटर हैं, और निजी मैस्किल क्या थे, थोड़े समय के लिए उन्होंने क्या करा था, खालसा कॉलेज बॉम्बे में, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उसमें एज अ लेक्चरर वर्क किया था। वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे वहां पर, ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ही हैड बीन द विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ही हैड बीन एडिटर ऑफ क्वेस्ट इम्प्रिंट एंड सिक्स इशूज ऑफ पोएट्री इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जर्नल्स मैगजीन भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी थी, ठीक है, एक तो थी ये इम्प्रिंट और क्विस्ट थी और सिक्स इशूज ऑफ पोएट्री इंडिया, ठीक है। ही आल्सो हैड बीन द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो इसके असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी काम किया इन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए, निजी मैजिकल ने, ठीक है। इनका अगर लाइफ स्पैन की बात करें निजी मैजिकल की, तो वो क्या है, 1924 टू 2004 है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एंड इनके अवार्ड के बारे में हमने चर्चा कर ही ली थी, पद्मश्री भी मिला है इन्हें और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल इवेंट इन द पोएम, क्या मेन इवेंट है, क्या घटना घटित हुई है पोएम के अंदर। अ स्कॉर्पियन स्टिंग, अ स्नेक बाइट, अ फैमिली गैदरिंग, अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो आप समझ सकते हैं कौन सी पोएम की बात हो रही है, यहाँ पे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात हो रही है, और इसमें क्या इवेंट होता है, अ स्कॉर्पियन स्टिंग, ठीक है, एक जो बिच्छू है वो काट लेता है पोएट की मदर को। आगे चलते हैं, हाउ डज द पोएट्स मदर रिएक्ट टू द स्कॉर्पियन स्टिंग,
और पोएट की जो मदर है वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं जब उनके उनको वो जो स्कॉर्पियन है वो स्टिंग करता है. शी इज काम एंड कंपोज्ड, शी इज फ्रेंटिक एंड वरीड, शी इज एंग्री एंड एग्रेसिव, शी इज इनडिफरेंट एंड डिटैच्ड. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है शी इज फ्रेंटिंग फ्रेंटिक एंड वरीड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेन्स इन दी पोएम. देखो रेन के बारे में चर्चा हुई है पोएम में, जो जिस नाइट को जो पोएट की मदर है उनको स्कॉर्पियन स्टिंग करता है उस समय पर बारिश हो रही होती है. ठीक है, तो इसका इसका सिंबोलिज्म क्या है या फिर रेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो रेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दे सिंबलाइज रिलीफ एंड कंफर्ट, इट सिंबलाइज डेंजर एंड अनसर्टेनिटी, इट सिंबलाइज रिन्यूअल एंड रीबर्थ, या फिर इट सिंबलाइज नथिंग इन पर्टिकुलर. ठीक है, बताइए क्या सिंबलाइज करती है रेन, या दे की जगह पर इट आएगा. यस, राइट आंसर है इट सिंबलाइज रिलीफ एंड कंफर्ट. जो रेन है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, रिलीफ और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फादर्स एक्शन. पोएट का क्या एटीट्यूड है उनके फादर के एक्शन को देखते हुए. उनके फादर क्या करते हैं, वो बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं, वो हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जहर को उतारने के लिए, और क्या मेडिसिन का यूज करते हैं, एक रैशनैलिटी को शो करने वाले पर्सन है. ठीक है, तो उनके प्रति पोएट का क्या एटीट्यूड रहता है. ही इज क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, ही इज एडमायरिंग एंड अप्रूविंग, ही इज इनडिफरेंट एंड डिटैच्ड, ही इज कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टेन. तो यहाँ पर राइट आंसर है पोएट एडमायर करते हैं उन्हें, ही इज एडमायरिंग एंड अप्रूविंग. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंट्रास्ट हाइलाइटेड इन द पोएम. किस कंट्रास्ट के बारे में बात की गई है, मतलब दो चीजों में कंट्रास्ट हो रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, तो क्या मेन हाईलाइट है. ठीक है, किन दो मुख्य बिंदुओं के बीच में कंट्रास्ट है. बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, बिटवीन रीजन एंड इमोशन, बिटवीन गुड एंड ईविल, या फिर बिटवीन लाइफ एंड डेथ. यस, राइट आंसर इज बिटवीन रीजन एंड इमोशन. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएम्स टोन. पोएम की टोन कैसी है, अभी इसी पोएम की बात हो रही है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की, तो इसकी टोन कैसी है, मेलनकॉलिक है, रिफ्लेक्टिव है, एंग्री एंड एग्रेसिव है, फियरफुल एंड एंग्जियस है, या फिर जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी है. यस, राइट आंसर इज मेलनकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव है. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेलनकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 20 आवर्स मेंशन इन द पोएम. कहा गया है ना कि 20 आवर तक लगातार वो सफरिंग करती रहती है मदर जो है, तो वो क्या सिंबलाइज करे, उसका क्या महत्व है. द टाइम इट टुक फॉर द मदर्स पेन टू सबसाइड, द टाइम इट टुक फॉर द फादर टू सेव द मदर, द टाइम इट टुक फॉर द स्कॉर्पियंस वेनम टू टेक इफेक्ट, या फिर द टाइम इट टुक फॉर द रेन टू स्टॉप. ये क्या, कौन सा टाइम की बात हो रही है, 20 आवर्स जो है वो क्या महत्व रख रहे हैं, कौन से टाइम की बात हो रही है. यस, ये रिलेट करता है किससे, मदर के पेन से. ओके, मदर का जो पेन है वो खत्म होने में कितना टाइम लगा था, 20 आवर्स लगे थे. द टाइम इट टुक फॉर द मदर्स पेन टू सबसाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए है इसका राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज मदर्स पेन. पोएट ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है अपनी माता जी के पेन को, एज अ बर्निंग सेंसेशन, एज अ शार्प स्टैब, एज अ डल एक, या फिर एज अ नंबिंग फीलिंग. यस, राइट आंसर इज एज अ बर्निंग सेंसेशन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, What is the contrast between the poet's parents? Poet के parents के बीच में क्या contrast है, क्या विभेद है. The father is emotional and mother is rational. The father is rational and mother is emotional. The father is young and mother is old.
द फादर इज रिच एंड मदर इज पुअर, क्या भेद है, क्या विभेद है दोनों में? यस, करेक्ट आंसर इज द फादर इज रैशनल एंड मदर इज इमोशनल. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कॉर्पियन इन द पोएम. स्कॉर्पियन का क्या महत्व है पोएम के अंदर? सिंबल ऑफ डेंजर एंड फियर, सिंबल ऑफ लव एंड केयर, सिंबल ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी, सिंबल ऑफ इमोशन एंड इंट्यूशन. यस, किस चीज को सिंबलाइज करता है स्कॉर्पियन? सिंबल ऑफ डेंजर एंड फियर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट्स फादर ट्राई टू सेव द मदर. जो पोएट के फादर होते हैं वो किस तरीके से, क्या कोशिश कर रहे थे मदर को बचाने के लिए? बाई यूजिंग हर्बल रेमेडीज, बाई यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन, बाई यूजिंग सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स, बाई यूजिंग नथिंग ही इज हेल्पलेस. यस, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, वो एक रैशनल थिंकर थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन. ठीक है, हर्बल भी नहीं बोल सकते, हर्बल रेमेडीज का यूज नहीं ना करके, मतलब जड़ी बूटी या औषधि का यूज ना करके वो क्या करते, मॉडर्न मेडिसिन जो है उनका उपयोग कर रहे थे. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द मदर्स कैरेक्टर. पोएम में माता जी के कैरेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? एज स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉइक, एज वीक एंड वल्नरेबल, या फिर एज इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव, एज काम एंड कंपोज्ड. यस, राइट आंसर इज एज इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इमोशनल और एक्सप्रेसिव. मूविंग टू द नेक्स्ट, How does the poem explore the theme of love? जैसे हमने देखा various themes को देखा यहाँ पर, तो किस तरीके से जो poem है वो explore कर रही है इन themes को, theme of love को कैसे represent करती है? Through the father's rationality, through the mother's emotional expression, through the poetic childhood memories, या फिर through the family's unity and togetherness. किस आधार पे आप कह सकते हो कि इसमें love की theme है? यस, राइट आंसर इज थ्रू द मदर्स इमोशनल एक्सप्रेशन. ओके, जैसे कि वो लास्ट में कहती है ना कि थैंक गॉड जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे स्टिंग किया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. ठीक है, ये सब क्या है? लव को रिप्रेजेंट करता है, थ्रू द मदर्स इमोशनल एक्सप्रेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए, व्हाट इज द पोएम्स मैसेज अबाउट द पावर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ऑप्शन है, दे कैन ओवरकम इवन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, दे आर फ्रेजाइल एंड इजिली ब्रोकन, दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड मल्टीफैक्टेड, या फिर दे आर अनइम्पॉर्टेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. बताइए इस पोएम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, किस चीज को? ह्यूमन रिलेशनशिप की जो पावर होती है. तो इसमें राइट आंसर है, दे कैन ओवरकम इवन मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन. ठीक है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना वो क्या है, जो मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको भी एक साथ मिलकर क्या किया जा सकता है, उसको भी दूर किया जा सकता है, उस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. यस, ऑप्शन नंबर ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एंटरप्राइज. अब देखिए, यहां तक हमने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात की, अब हम कुछ क्वेश्चंस एंटरप्राइज जो पोएम पढ़ी हमने उससे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसकी जो थीम है, इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? द जॉय ऑफ ट्रेवल, सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पज, ब्यूटी ऑफ नेचर, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. तो हमने देखा ये एक जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं. क्या हो जाएगी थीम? यस, द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये मेन थीम है इसकी. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम. इस पोएम की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुजियास्टिक,
कंटेम्पलेटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, सैड एंड मेलनकॉलिक, किस तरीके की थीम है? यस, बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल पोएम है, बहुत ही ज्यादा विचारों पे फोकस किया गया है, तो इंट्रोस्पेक्टिव है और कंटेम्पलेटिव है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जर्नी इन द पोएम? जर्नी का क्या महत्व है इस पोएम में? अ फिजिकल ट्रिप टू अ न्यू प्लेस, अ सिंबल ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन, अ मीन्स ऑफ एस्केपिंग रियलिटी, अ वे ऑफ फाइंडिंग मटीरियल सक्सेस. तो आप समझ ही चुके होंगे जर्नी को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है, इसका क्या महत्व है. यस, अ सिंबल ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये भी तो एक जर्नी है, जैसे कहते हैं ना लाइफ इज अ जर्नी. ओके, तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि वो मेन जर्नी या फिर टूर ट्रिपिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, जर्नी से मतलब यहाँ पे बहुत ही फिलोसफिकल थॉट को लिया गया है. इन्होंने कंप्लीट लाइफ को एक जर्नी बोला है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड द आइडिया ऑफ एंटरप्राइज? पोएट का क्या एटीट्यूड है इस आइडिया को लेकर, एंटरप्राइज के आइडिया को लेकर? He sees it as a noble and admirable pursuit. He is skeptical and critical of it. He is indifferent to it. He sees it as a necessary evil. Yes, what should be the right answer? Correct answer is he is skeptical and critical of it. Option number B is the correct answer. Next is, what is the poem's message about the nature of success? बताइए पोएम का क्या मैसेज है या क्या संदेश है जो सफलता है उसकी प्रकृति को लेकर, उसके नेचर को लेकर. इट इज इजिली अचीवेबल विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. इट इज इल्यूसिव एंड अल्टीमेटली अनअटेनेबल. इट इज ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड फ्यू. इट इज नॉट वर्थ एन एफर्ट. पोएम के अकॉर्डिंग समझना है. ठीक है, सक्सेस का कैसा नेचर होता है बताइए. यस, अकॉर्डिंग टू द पोएम क्या कहा गया है, इट इज इल्यूसिव एंड अल्टीमेटली अनअटेनेबल. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, हाउ डज द पोएट एम्प्लॉय लैंग्वेज इन द पोएम? मतलब किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है पोएट ने इस पोएम में? सिंपल एंड डायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नेट, प्रिसाइज एंड कंसाइज, फ्लावरी एंड रिटोरिकल. यस, राइट आंसर इज इन्होंने प्रिसाइज और कंसाइज लैंग्वेज का यूज किया है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिसाइज एंड कंसाइज. नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय. तो आप जान चुके हो एग्जैक्ट नेम, जो एक पोएट्री कलेक्शन है वो 1965 में आता है और किसका है ये है नजीम एज़िकल का. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ नजीम एज़िकल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी मेन थीम क्या है नजीम एज़िकल की पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की? सेल्फलेस मदरहुड. देखिए थीम ना ऐसा नहीं होता कि हमें रटनी पड़ती है, हमको बस उसकी समरी ध्यान रखनी है. ठीक है, बाकी हम थीम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि इसकी थीम क्या होगी इस पोएम की. देखिए ऑप्शन, सेल्फलेस मदरहुड पहला और मोस्ट सूटेबल पे हमें आंसर टिक करना है. हेल्पलेस हस्बैंड, होपलेस चिल्ड्रन, रेस्टलेस स्पेक्टेटर. तो इसमें मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सेल्फलेस मदरहुड. ठीक है, यही इसकी थीम मानी जाएगी यहाँ पर. ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेल्फलेस मदरहुड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, हाउ डिड द ब्लेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम एज़िकल रिएक्ट टू अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट? ब्लेजर किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं इस इंसिडेंट पे? ठीक है, जो गांव वाले लोग एकत्रित हो गए हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? दे स्टेड अवे इन फियर, दे थ्रॉन्ग्ड टू द टेम्पल टू इनवोक द डाइटी,
दे कर्स्ड एंड अब्यूज द मदर फॉर ब्रिंगिंग अपॉन दैम द रेथ ऑफ द गॉड दे केम इन स्वाम्स टू कंसोल द फैमिली. बताओ उनका रिएक्शन कैसा है. यस व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. यस दे केम इन स्वाम टू कंसोल द फैमिली. स्वाम मतलब एक ग्रुप में आते हैं ओके फैमिली को कंसोल करने के लिए. दे केम इन स्वाम टू कंसोल द फैमिली. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्कॉर्पियन अपीयर इन. कौन से पोएट्री कलेक्शन में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है. तो ये तो अब आपको रट ही चुका होगा. इनफैक्ट आप नींद में भी बता दोगे द एग्जैक्ट नेम 1965. ठीक है. अच्छा इनके ईयर देखते हैं एक बार. ठीक है रिवीजन हो जाएगा हमारा. जैसे आप देखोगे हाइंस इन डार्कनेस. हाइंस इन डार्कनेस ये कब आता है. ये आता है 1976 में. ओके अ टाइम टू चेंज. पहला ही पोएट्री कलेक्शन है नज़ीम एज़किल का. ध्यान रखना है वेरी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन इज अ टाइम टू चेंज. कौन से ईयर में आता है. 1952 में आता है. ओके 60 पोएम्स आता है. इसके जस्ट बाद में पोएट्री कलेक्शन आता है ये 1953 में. अगर क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाए तो आप इजीली क्रोनोलॉजी भी सेट कर सकते हो. ठीक है 1965 में एग्जैक्ट नेम आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएट इज डिस्कार्डेड एज एथिकल इन हिज रिव्यू ऑफ द फेलियर पोएट्री. देखिए इसमें क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है बेसिकली कि कौन से पोएट ने डिस्कार्ड कर दिया था नज़ीम एज़किल की पोएट्री को. क्या कहकर एज एथिकल इन हिज रिव्यू ऑफ द फेलियर पोएट्री. जब उन्होंने उनकी नज़ीम एज़किल की पोएट्री को क्या कहा है फेलियर कहा है. ठीक है तो यहाँ पे क्या है राइटर. कौन से राइटर हैं. टैगोर हैं कमला दास है अरविंद है स्वामी विवेकानंद है. तो ये हैं अरविंदो. ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया है नज़ीम एज़किल को. ठीक है ये ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्कीम्स द सर्फेस ऑफ लाइफ. हू सेड. ये किसने कहा है बताइए. किसका स्टेटमेंट है ये. जयंत महापात्रा कमला दास ए के रामानुजन या फिर नज़ीम एज़किल. तो स्टेटमेंट ध्यान रखना है. अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्कीम्स द सर्फेस ऑफ लाइफ. राइट आंसर है नज़ीम एज़किल. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. हु लिव्स इन द बेसमेंट विद फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोइट्री. ये स्टेटमेंट बहुत पूछी जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो. अक्सर जब मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना. अभी तो हम एक पर्टिकुलर राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं. यहाँ पे इजीली आप ऑप्शन देखोगे और टिक कर लोगे. लेकिन ये स्टेटमेंट तब ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है जब मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से राइटर की बात हो रही है. किसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो कहाँ रहते हैं. बेसमेंट में रहते हैं. किसके साथ रहते हैं. फिलोसफी के साथ पॉवर्टी के साथ एंड पोएट्री के साथ. ठीक है ध्यान रखना है. नज़ीम एज़किल कहाँ रहते हैं. बेसमेंट में. ठीक. हु लिव्स इन द बेसमेंट विद फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोएट्री. आंसर इज नज़ीम एज़किल. ठीक है ध्यान रहेगा कहाँ रह रहे हैं ये. बेसमेंट में. आगे चलते हैं. मे द सम ऑफ ई बिल बैलेंस्ड इन दिस. देखिए ये ना नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है जिसको आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पे एक ब्लैंक टाइप दिया है इसको फिल करना है. ऑप्शन आपके सामने गिवन है. लाइन को पढ़ते हैं. मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड इन दिस डैश वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ द गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. तो क्या आ सकता है यहाँ पर. रियल रियल वर्ल्ड अनरियल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड या फिर नन ऑफ दीज. तो इसे कट ही कर देते हैं. तीन ऑप्शंस में से देखिए क्या आएगा. रियल वर्ल्ड लिखा हुआ है वहां पर या फिर अनरियल वर्ल्ड है या फिर फिजिकल वर्ल्ड है. यस मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड. ठीक है ये कहा जाता है. बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. ठीक तो राइट आंसर यहां पर अनरियल. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज
यहां पर भी लाइन को कंप्लीट करना है, माई मदर ओनली सैड, सैड नहीं यहां पर सैड, ये सैड दुखी वाला सैड नहीं, कहने वाला सैड है, ठीक है। माई मदर ओनली सैड थैंक यू गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड डैश माई चिल्ड्रन। तो क्या आता है यहां पर, स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, लव माई चिल्ड्रन, बिट माई चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज। तो आप बहुत ईजिली आंसर कर लोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे पिक किया, मतलब मुझे स्टिंग किया और मेरे बच्चों को क्या किया, बाइट कर लिया, लव किया, स्पेयर्ड छोड़ दिया, स्पेयर्ड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डेली अपलोड कर रहे हैं लगातार चैनल पर, वो आपको देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और आई होप जो चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो वो साथ के साथ आपको लर्न होती जा रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।